बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का, जिसमें हमने चेस्ट पीस ले लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिरका इसमें ऐड करेंगे और एक चम्मच हमें नमक शामिल करना है, और उसके बाद हमने लेमन जूस। और इसको जो है हमने 30 मिनट के लिए छोड़ देना है, जब तक ये सिरका और नमक इसमें जब्त हो जाते हैं। उसके बाद यह है हमारे पास धनिया, उसके बाद हमारे पास हरा प्याज, उसके बाद हमारे पास पुदीना, ये है हमारे पास हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक के बैठा इसको। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे। देखिए ये है हमारे पास दही, इसका पानी हम छान के निकाल लेंगे। ये देखिए ये सारा गंदा पानी इसका निकल गया है गोश्त का। अब हम साफ पानी में इसको उबाल लेंगे। अब इसमें साफ पानी ऐड करेंगे और इसके बाद जो है ना हमने दोबारा जो चिकन डालना है। और ये गट्ठे हरे प्याज के, और इसके बाद एक चम्मच हमारा जो नमक का वो शामिल करेंगे, और थोड़ा सा जो है ना जो साबित गरम मसाला, इसमें ज़ीरा, लौंग और काली मिर्च, उसके बाद एक बादाम का फूल। फर्स्ट
5 मिनट के लिए हम चिकन को उबाल लेंगे, उसके बाद जो है ना इसको मैरिनेट करेंगे। क्योंकि गोश्त हमारा चिकन उबाल आ गया है, हमने 3 से 4 मिनट के लिए इसको बॉईल किया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। चिकन हमारा ठंडा हो गया है, अब इसको सादा रेडी करेंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर दही डालेंगे। हरा मसाला जो हमने ग्राइंड करके रखा था, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर, गरम मसाला पाउडर और 4 चम्मच हमारे पास लेमन जूस है। एक चम्मच नमक का शामिल करेंगे और विनेगर। उसके बाद हमारे पास क्रीम है, दो चम्मच के बराबर हमने कुकिंग ऑयल ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसाला इसको लग गया, 5 मिनट का हम इसको रेस्ट देंगे, उसके बाद जो है ना इसको बेक और मसाले को बेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाह